हेलो फ्रेंड, मैं दीपक आपका अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाला में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग भारत में यूज होने वाले बाइकों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत में कितने प्रकार के बाइकों का यूज़ किया जाता है, कितने प्रकार में कैटेगराइज किया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे या ना अच्छा लगे तो लाइक या डिसलाइक करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि इसमें क्या त्रुटि है। मैं उसको अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ बाइक, मतलब भारत में किस टाइप कितने टाइप्स के बाइक यूज किए जाते हैं। कम्यूटेटर या स्टैंडर्ड बाइक। एक कम्यूटेटर और स्टैंडर्ड बाइक जो होता है ये 100 cc से लेके 180 cc तक के बीच का होता है और ये डेली वर्क के लिए यूज होता है। इसमें माइलेज सही होता है, इंजन हीटिंग कम होता है और राइडर पोजीशन अपराइट होता है, मतलब जो राइडर का पोजीशन होता है थोड़ा सा ऊपर होता है, इसलिए राइडर को कंफर्टेबल महसूस होता है। ऐसे बाइकों में राइडर को बैठने में कंफर्टेबल महसूस होता है। और जो पैर रखने वाला होता है सेमी फॉरवर्ड फुट पैक्स होता है, जिसमें पैर आराम से रेस्ट पोजीशन में रहता है। इसका एग्जांपल है स्प्लेंडर प्लस और बजाज साइन, सॉरी साइन लिखना मैं भूल गया हूँ, टीवीएस स्टार, बजाज पल्सर 125 cc। सेकेंड टाइप के बाइक के बारे में डिस्कस करना है। सेकेंड टाइप है नेक्ड मोटरसाइकिल। इसका लुक होता है स्टाइलिश लुक में होता है और इसमें फेयरिंग नहीं होता है। फेयरिंग मैं बता देना चाहता हूँ, जो आप लोग नॉर्मल भाषा में हेडलाइट बोला जाता है उसको टेक्निकल में फेयरिंग बोला जाता है। तो जो फेयरिंग होता है इन सब नेक्ड बाइकों में फेयरिंग नहीं होता है, उसका हेडलाइट जो होता है वो ओपन होता है, उस पर डिज़ाइन वाला नहीं लगा होता फाइबर का। इसका इंजन जो होता है विजुअल, मतलब इंजन दिखाई देता है आँखों से। और राइडर पोजीशन होता है शॉर्टली राइडर पोजीशन होता है, मतलब स्पोर्टी राइडर पोजीशन होता है, मतलब राइडर का जो पोजीशन होता है वो स्पोर्टी होता है। और फ्यूल टैंक स्लाइटली हायर होता है, मतलब जो फ्यूल टैंक होता है उसका ऊपर उठा हुआ रहता है। अब रेयर और फ्रंट मड गार्ड, जो मड गार्ड होते हैं, रेयर मतलब पीछे का और फ्रंट मतलब आगे का, जो मड गार्ड होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं और एयर प्रोटेक्शन इसमें नहीं दिया जाता है। आइडियल फॉर शॉर्ट ट्रिप, ऐसे बाइकों का यूज छोटे दूरी के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में BMW S1000R, 1000 CB 100R, जिसको CBR बोला था, होंडा होंडा CBR भी बोलते हैं हम लोग, डुकाटी स्ट्रीट फाइटर, उसके बाद KTM 1290, इसको KTM 1290 बोलिए या KTM 1290 भी बोल सकते हैं, सुपर ड्यूक आर। थर्ड टाइप का है स्पोर्ट नेक्ड मोटरसाइकिल। नेक्ड इसका बनावट नेक्ड की तरह होता है लेकिन इसका लुक थोड़ा सा स्पोर्टी कर दिया जाता है। तो इसका एग्जांपल हो गया TVS राइडर, TVS अपाची, RTR 160, KTM 390 ड्यूक। चौथा है हमारा स्पोर्ट मोटरसाइकिल। इसका में स्पीड सही होता है, इसका स्पीड मतलब हायर स्पीड होता है, इसका पिकअप बहुत जल्दी पकड़ता है। पावर एसेलरेशन पावर भी इसका स्ट्रांग होता है, एसेलरेशन इसका सही होता है, बेटर हैंडलिंग एंड बेटर स्टेबिलिटी, इसको हैंडल करने में भी सही लगता है और स्टेबिलिटी भी इसकी काफ़ी हद तक सही होती है। और सीट होता है स्लाइटली हायर, मतलब सीट जो होता है उसका थोड़ा सा ऊंचा होता है। और लोअर हैंडल बार, जो इसका हैंडल होता है, हैंडल बार मतलब होता है हैंडल जो इसको जिसको पकड़ के चलाया जाता है, तो इसका जो हैंडल होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है, टैंक से नीचे होता है। राइडर पोजीशन फॉरवर्ड लीनिंग राइडर पोजीशन, मतलब आगे की तरफ थोड़ा सा झुकना पड़ता है। और स्लाइटली बैकवर्ड फुट पैक्स, और जो पैर होता है वो थोड़ा सा पीछे होता है, इंजन से थोड़ा सा पीछे रखना पड़ता है। इसका वेट लाइट होता है, मतलब लाइट वेट मटेरियल से बना होता है इसलिए इसका वेट लाइट होता है, जैसे कार्बन फाइबर एल्यूमिनियम। इंजन कवर्ड होता है, जैसे YMAHA R15S, बजाज पल्सर RS 200, कावासाकी निंजा 300, TVS अपाची RR 310। अब है क्रूजर बाइक।
इसका सीट हायर हाइट कम होता है। जो क्रूजर बाइक होता है इसका सीट का हाइट कम होता है और हैंडल बार ऊपर होता है। इसका सीट नीचे होता है लेकिन हैंडल बार ऊपर होता है। और सेमी फॉरवर्ड फुटबैक, मतलब ना ज़्यादा आगे होता है ना ज़्यादा पीछे होता है, बीच में इसका होता है सेमी फॉरवर्ड फुटबैक। मतलब कि पैर आगे की तरफ ही रहता है, ज़्यादा पीछे नहीं रहता है। राइडर पोजीशन होता है लीनिंग बैकवर्ड, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकना पड़ता है इसमें। और फ्रंट और रियर व्हील, जो फ्रंट व्हील होता है और रियर व्हील होता है उसमें, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है नॉर्मल बाइक के अपेक्षा, ये लॉन्ग ड्राइव के लिए सही होता है। एग्जांपल में है बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160 और टीवीएस रोनिन। अब पांचवा आपका है एडवेंचरस बाइक। इसका हायर सीट होता है, जो सीट का हाइट होता है वो ऊंचा होता है और हैंडल बार भी ऊंचा होता है। और इसका सस्पेंशन मतलब आप समझ लीजिए जो आगे लगा होता है किसी भी गड्ढे में गिरने पर वो सस्पेंस करता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में शॉकर बोला जाता है, वो भी थोड़ा सा हायर होता है। और शॉर्ट राइडर गेट्स सम प्रॉब्लम, मतलब जो छोटे राइडर हाइट में छोटे जो राइडर होते हैं उनको इस बाइक को चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि इसकी हाइट ऊंची होती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा होता है, ग्राउंड से इसकी जो हाइट होता है इंजन का, जो बीच में इंजन की जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है, इंजन बोलिए या फ्रेम बोलिए, जो हाइट होती है उसका हाइट गैप ज़्यादा होता है। व्हील वीक इन साइज होता है, मतलब व्हील जो होता है वो बड़े साइजों में होता है। फ्यूल टैंक बड़े साइज में होता है और इसकी कैपेसिटी भी नॉर्मल बाइकों से अधिक होती है। डुअल चैनल एबीएस सिस्टम, एबीएस का होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब इसमें दोनों व्हील में ब्रेक सिस्टम एक साथ लगने का वो प्रोग्राम होता है। और वेट, इसका वेट भी हाई होता है। एग्जांपल रॉयल इनफील्ड, हिमालयन, हीरो एक्स प्लस 200, बीएमडब्ल्यू 12 1250 GS। छठे नंबर का है टूरिंग बाइक। नाम से ही पता चल रहा है कि इसको टूर करने के लिए ही यूज किया जाता है, तो फॉर लॉन्ग ड्राइव। और इसका सीट जो होता है एवरेज हाइट का होता है, ना ज़्यादा चौड़ा होता है ना ज़्यादा ऊंचा होता है ना ज़्यादा नीचा होता है, बीच में होता है। इसका सीट का जो चौड़ाई होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। राइडर पोजिशन अपराइट नेचुरल, इसका जो होता है राइडर पोजिशन होता है अपराइट नेचुरल होता है। अब मिडिल रेंज हैंडल बार होता है वो मिडिल रेंज में होता है। इंजन काफ़ी भी ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा ही सीसी का होता है और इंजन कवर्ड होता है। आइडियल फॉर इंटरमीडिएट एंड एडवांस राइडर है, जो ऐसे बाइकों जो मतलब बाइक के बारे में एक्सपीरियंस हो चलाने का, उनके लिए काफ़ी सही होता है। इसका वेट मोर होता है, मतलब इसका वेट बहुत ही ज़्यादा होता है। अब फुल एयर प्रोडक्शन, मतलब बाइक चारों तरफ से ढका हुआ होता है। एग्जाम्पल इंडियन रोड मास्टर क्लासिकल बाइक। लुक्स, इसका लुक जो होता है 1970-1980 के बीच के जैसे बाइक होते थे वैसे लुक होता है। और इंजन पावरफुल होता है, मेटल जो व्हील होता है इसका मेन खासियत होता है कि इसका जो व्हील होता है वो मेटेलिक होता है, यही इस अदर बाइकों से इसका, जैसे अलॉय व्हील अदर बाइकों में अलॉय व्हील होता है, अब तो इसमें भी अलॉय व्हील आने लगा है, लेकिन मेटेलिक व्हील ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होता है। और एग्जास्ट लाउड, मतलब जो इसका साइलेंसर से जो आवाज़ निकलता है वो बहुत ही लाउडली होता है, बहुत ही आवाज़ करता है, इसका मेन खासियत यही होता है। और राइडर पोजीशन बेस्ट और कंफर्टेबल, इसमें राइडर का पोजीशन जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और कंफर्टेबल महसूस करता है। एग्जाम्पल रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो में आप लोगों को कुछ त्रुटि महसूस हुई कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, मैं अगले वीडियो में इसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।